क्यों इतना मशहूर है या क्या ऐसी नीड थी जो इसको लिखने की जरूरत पेश आई, तो आपको क्या जवाब है? जबूर नंबर 23, बच्चा डर जाए, माँ पढ़ना शुरू कर देती है, तो मुसीबत परेशानी आ जाए तो ये जबूर पढ़ना शुरू कर देती है। मेरी माँ से और भी माएँ पढ़ती होंगी जो मैंने बचपन से सुना है, तो क्या और जबूर दादा कलाम में, क्या और जबूर जो है उनमें असर नहीं है? तो क्यों हमारी जुबान पे 91 जबूर ही आ जाता है? क्यों हमारी जुबान पे 23वां जबूर आ जाता है? क्या ऐसी रीजन है? या जब भी घर बनता है तो नाम आना हमारी जुबान पे जबूर नंबर 127 आना शुरू हो जाता है। अगर खुदावंद घर ना बनाए, बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद शहर की हिफाजत करने के बाद बचाना अबस है। क्यों जब दुख या गम या रंज होता है 20वां जबूर हमारी जुबान पे आ जाता है? दुखा दे मेरे तेरी आवाज में दुआ। जब कोई शुक्रगुजारी होती है तो क्यों हमारी जुबान पे 36वां जबूर आ जाता है? शुक्रिया अदा करो, करो शुक्रिया अदा। ऐसे लगता है कि जैसे इंटीमेट है हम इन सारे जबूरों के साथ। तो क्या ऐसी रीजन है कि यहूदियों समेत हम भी इस जबूर को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं? क्यों यहूदियों समेत हम भी 91 जबूर को खुदा की पनाह की चादर के तौर पर लेते हैं? क्या रीजन थी कि दाऊद को यह जबूर लिखना था? बहुत सारी परसेप्शन है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो 120वें जबूर से लेके 134वें जबूर तक हैकल की ज्यारत में जरूर है। कभी मौका आया 127वें जबूर में जब मैं पैगाम दूंगा तो मैं जरूर उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। उसके दो उसकी तशरीहात है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि हैकल की 15 सीढ़ियां थी और एक सीढ़ी पे वो गाते थे। लेकिन इसके साथ और परसेप्शन भी है कि यहूदी लोग घर से जाते हुए ये जबूर गाते थे। हैकल में जबूर नहीं गाए जाते थे, हैकल में म्यूजिक बजता था। एक सुर हो के छोटी छोटी बातें हैं जो हम उस तौर से गौर ही नहीं करते। क्या लिखा है? जब सांस बांध के एक हो गए उन्होंने नरसिंगा फूंका। वहां पर यह लिखा हुआ कि उन्होंने जरूर 127वां गाया या 28वां गाया या 20वां गाया या 15 गाया। एक सांस बांध के उन्होंने जब म्यूजिक बजाया तो क्या लिखा है वहां पे? खुदा का अवध छा गया। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि जब दाऊद अपने दुश्मनों के सामने गाना गा रहा था तो उस वक्त उसने ये जरूर लिखा। हालांकि ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चौपान है। हालांकि वो खुद चौपान है, तो क्या ऐसी रीजन पेश आ गई कि उसने ये सारा जबूर लिखा? जैसे हम सैला या सैला दोनों प्रोनंसिएशन है, जैसे मुंजी और मुनजी, ये दोनों ही ठीक प्रोनंसिएशन है। आप अगर मुंजी बोलते हैं वो भी ठीक है, अगर आप मुनजी बोलते हैं वो भी ठीक है, अगर आप सैला बोलते हैं वो भी, अगर आप सैला बोलते हैं वो भी, दोनों ही प्रोनंसिएशन इसकी ठीक है। उसके साथ मतलब है। और खुदा के कलाम में खुदा अपने लोगों से जब ये कलाम करता है, क्यों एक चरवाहा खुदा को चरवाहा कह रहा है? क्यों ये जबूर इतना मशहूर हो गया? और खुदा के कलाम में इसको क्या जरूरत पेश आ गई कि वो खुदा को कहे कि मेरा चरवाहा है? कलाम मुकद्दस में अगर आपसे कोई पूछे आपके खुदा का क्या नाम है तो आप क्या बताओगे? हम आते हैं आज बस जब चाहे एक बस फॉर्मेलिटी है, सारे बस में जाना है, जाके दुआ करनी है, गीत गाना है, मैंने सीट पे बैठना है, इधर बैठना है, मिलना मिलाना है, शॉपिंग करनी है, घर जाना है। क्या ये दुआ है हमारे? या इसलिए हम आते हैं कि हम कुछ सीख के जाए, कि हम खुदा से दुआ करें? जब घर से निकलते थे खुदावंद आज मैंने जाना है, आज मैं तेरे कलाम में से कुछ नया ले रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी में जो कमी कमजोरी खामी है उसको मैं पूरा कर सकूं। खुदा का कोई नाम नहीं है, खुदा के अलावा
16 इल्काद है बाइबल मुकद्दस में, खुदा रूह मुकद्दस के 78 इल्काद है और खुदा बेटे के 316 इल्काद है। और जिस जिसका खुदा के साथ जो तजुर्बा हुआ वो उसने खुदा को नाम दे दिया, वरना मूसा को खुदा कहता ना यहोवा हूं, मूसा को कहता मैं शलोम हूं, मूसा को कहता मैं यही हूं, उसको क्या कहा, मैं जो हूं सो हूं, यही तेरा नाम है। खुदा महदूद नहीं है, खुदा नामहदूद है, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। इसीलिए आदम से लेके सेठ तक कोई नाम हमें बाइबल में नहीं मिलता। चौथे बाब में जाके क्या मिलता है, फिर लोग यहोवा का नाम लेके दुआ करने लगे। ये भी एक जिद थी, एक तरफ कायन और एक तरफ हाबल। हाबल टेंजिबल खुदा को जो मजबा था वो कहता था मेरा खुदा है, लेकिन जो कायन है वो कहता था कि खुदा पत्थरों से बना हुआ नहीं हो सकता, खुदा महदूद नहीं हो सकता, खुदा लामहदूद है। जो इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला है क्या वो इतना छोटा हो सकता है। उसने जब खुदा के हुजूर में दुआ की तो वो जिसको हम हय्युल क्यूम कहते हैं, एक छोटी सी उसकी पिछड़ी है, ये बहुत बड़े नाम थी। खुदा के हुजूर में खुदा को जो पहला नाम दिया वो हाजरा ने दिया। वो जा रही है, घर से निकल गई है, अपने बच्चे के साथ है और जब वो सहरा में गई है, पानी नहीं है, मां अपने बच्चे को मरता हुआ दे नहीं सकती, उसने मुंह मोड़ लिया और जब मुंह मोड़ लिया तो उसको फरिश्ता दिखाई दिया। उसने कहा अब्राहम की लौंडी तू कहां घूम रही है, उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने कहा अपने पीछे मुड़ के देख, क्या है, चश्मा है, कुआ है, वहां उसने खुदा को नाम दिया अताए रोई एल बसी, ऐ खुदा तू वहां देखता है जहां कोई और देखता नहीं। जब कहते हैं तो खुदा हर जाई है, हर जगह वो देखता है, कोई भी शख्स हो कहीं भी हो वो उसमें नजर रखता है। 16 नाम में से मैं चंद आपको उसमें से बताऊंगा, उसके बाद हम जो 23वां ज़बूर है उसमें आएंगे। खुदा का बंदा अब्राहम, खुदा ने कहा अपने बेटे को कुर्बान कर दे और वो अपने बेटे को लेके जा रहा था। 100 साल बाद उसको एक बेटा मिला है, बूढ़ा हो गया है, और क्या लिखा है तकरीबन कोई 40 ईयर के करीब था जो इसहाक जब उसको कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है, यानी अगर आप बताएं तो तकरीबन 140 साल का बुढ़ा। जरा सा कोई शौक लगता है हम घबरा जाते हैं। आपको यह कहा जाए कि आपने अपने बच्चे को खुदा की राह पे दे दिया है और खुदा ने क्या कहा, अब्राहम तूने अपने बच्चे को लेके जाना है, वहां लेके भी खुद जाना है, बांधना भी खुद है और उसके गले पे छुरी भी तूने खुद चलानी है। चल रहे हैं दोस्तों, उसने लकड़ियां भी ले ली, उसने आग भी ले ली, उसने छुरी भी ले ली, और जब आगे पहाड़ नजर आता है हूरत का, वहां पे वो बच्चा जो एक ही है वो अपने बाप से सवाल करता है, ए बाप तूने लकड़ियां ले ली, ए बाप तूने आग ले ली, ए बाप तूने छुरी ले ली, ए बाप का बदला कहां से आएगा जिसको तू कुर्बान करेगा। सोचे बाल वाले, सोचे वो जिनके बच्चे एक ही है। अगर आपसे कोई ऐसे कहे आपको पता हो कि आज मैंने अपने बच्चे को खुदा की राह पे कुर्बान कर देना है और आपका बच्चा आपसे सवाल करे तो आप उसे गले से नहीं लगा देंगे, आप कहेंगे कि बेटा मैं तो तेरे ही गले पे छुरी चला लगा, उसने आपको गले के लगा दिया। और मैं कहता हूं सदके जाऊं ऐसे बापों के और सदके जाऊं ऐसे बेटों के कि जो ना खुदा के नाम पे कुर्बान करने और ना कुर्बान होने से करते, ऐसे उसने अपनी जात की कसम खा ली। किसी शख्स के लिए पूरी बाइबल में खुदा ने कसम नहीं खाई सिवाय अब्राहम। तब उसने बांध दिया और उसके गले पे छुरी चलाने लगा तो खुदा ने कहा अब्राहम अब मैं जान गया हूं कि तू मुझे सबसे ज्यादा
बहुत सारे गीत बनाए, यहोवा ये सब कुछ मुहैया करेगा। उसने कहा खुदावंद तू मुहैया करता है, तू मुहैया करने वाला है। और आज भी यहूदी माएं जाती हैं अपने मुरादों के लिए जो यूरोप के पहाड़ पे, और आज भी यहूदी कहते हैं कि खुदावंद के पहाड़ पे क्या किया जाएगा, मुहैया किया जाएगा। जंग हो रही थी इसराइल की, और खुदा ने कहा है मूसा तूने झंडा लेके नहीं जाना। मैंने आपसे कहा जो लोगों का तजुर्बा हुआ वो उन्होंने खुदा को नाम दे दिया। खुदा ने उसे कहा तुम्हें झंडा लेके नहीं जाना, आज तुम्हें जाना है अपने हाथ ऐसे खड़े करने हैं, तेरे हाथ ऊपर होंगे तो तुम फतह पाओगे, तेरे हाथ नीचे हो जाएंगे तुम शिकस्त खाना शुरू हो जाओगे। 3 बजे तक ऐसे हाथ रहे, उसके बाद यशवा खुदा ने उसे निकाल दिया और नीचे पत्थर रख दिया। हाथ उसके जब तक ऊपर है, शाम हो गई उन्हें पता पाई, उसने कहा क्या खुदावंद कपड़े के झंडे या सिपा सलार या सारी चीजें मैं पता नहीं देती, जिनका झंडा तू होता है उनको पता मिलती है। उसने खुदा को झंडा कह दिया, जिसका मतलब है जो नसी है, जो हमारा नसी, नसी का मतलब है खुदा तू हमारा झंडा है। जदून जल रहे जा रहा है, खुदा ने कहा बंदे ज्यादा है, हालांकि लड़ाई होती है तो जिनकी फौजें ज्यादा होती हैं, जिनके पास असलहा ज्यादा होता है वो जो सुप्रीम पावर रखती है। अमेरिका को देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, जो आज का दौर है फौजें बड़ी ताकत बड़ी, इसलिए वो मुल्क सुप्रीम मुल्क माने जाते हैं। खुदा ने कहा बंदे ज्यादा है, 10,000 बंदे अलग है। उसने कहा नाले भेजा जो कुत्तों की तरह पानी की उनको अलग कर लेना, और जो इंसानों की तरह पानी की उनको अलग कर लेना। 9,700 लोगों ने इंसानों की तरह पानी दिया, 300 लोगों ने जो कजाकी किताब में आपके वाला पढ़ सकते हैं, 300 लोगों ने कुत्तों की तरह पानी दिया। खुदा ने कहा 9,700 लोगों को अलग कर दे, 300 लोगों को अपने साथ, जिनको मैंने ही नहीं दिए। आगे चलते इसमें भी हम देखेंगे, तो इसमें जबूर में भी जिनको पानी पीने का मैनर नहीं है वह जल दिया करें। जब वो आ गए तो खुदा ने क्या कहा, ये जंग मेरी है, जदून जंग तेरी नहीं, ना लाठी लेनी है, ना भाला लेना है, ना तलवार लेनी है, खड़े लेने हैं, ये तो पानी वाले लेंगे। इसी तारीख में आपने पढ़ा है कि कोई जंग लड़ने जाए और लोगों के साथ जंग लड़ने जाए, वो ज्ञान है उसने गिराए हैं बड़े और उन्होंने पता पा लिया। उसने खुदा ने क्यों नाम दिया, खुदा जिनकी सलामती तू हो उनको सलामती मिलती है, जिनकी पता तू हो उनको पता मिलती है। उसने खुदा को नाम दे दिया, तो अपने बच्चों के आप नाम रखते हैं यहोवा शालोम, सलामती का खुदा। और एक चीज जो मैं इसको बोलने के आपसे कहना चाहता हूँ, एक और नाम हम देते हैं यहोवा राफे, बच्चों के नाम भी हम रखते हैं। हिस्किया गैर कौम में आया था और वहां पे वो लोगों को और यहूदियों को और गैर कौम को कहता था कि मेरा खुदा शाही खुदा है, काफे का मतलब है शाही। तो जब ये कहता था बीमार हो गया, बीमार हो गया, उसकी कमर पे फोड़ा निकल आया। यशायाह उसके पास जाता है और उसे कहता है यशायाह है हिस्किया तू अपने घर पे इंतजाम कर दे, तू मर जाए। बाकी जाहिर आपसे कहे कि खुदा के पास जाना जिंदगी है, खुदा के पास जाना जो है वो सेहरा है, मेरा आस है, हम खुदा को देखेंगे और हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन पारिजानी को खुदा का कहे कि पारिजान उसे अच्छा हम मर जाए, तो पारिजानी को पता लगे कि किसी को जाना है तो वो रोना शुरू कर दे, उसको कुछ होना चाहिए। एक नबी को दूसरा नबी कह रहा है कि तू खुदा के पास जा रहा है जिसके लिए उसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, लेकिन वो रोना शुरू कर दिया उसने दीवार की तरफ मुंह करके। रीजन क्या था, क्या वो मौसम कर रहा था कि मुझे मौत ना आए, क्या ये वजह थी, क्या खुदावन मुझे मरना नहीं है, उसके बाद भी तो वो मरा था, उसके बाद क्यों नहीं रोया था, वजह क्या था। अगर आप तारीख में ऐसे नहीं हुआ, तारीख में खुदा के लिखे हुए फैसले नहीं बदले,
ये साया रास्ते में जा रहा है। खुदा ने कहा मसला बन गया, ये साया वापस जा, जाके मेरे बंदा को कह तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ गई है। मैं इन बच्चों को कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, शुक्र है ये जो शायद हम कुछ पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन बाइबल खुदा का कलाम और कलाम है, उसमें भी मैं ये बात कर रहा हूं। अगर आप कहें ना लिखे द एज ऑफ अर्थ, उसमें डेढ़ दिन कम है। एक दिन जब हाथ खड़े किए रखे कि वो सूरज डूब ना हो उस टाइम पे, और दूसरा आधा जमीन जो यशवा वाला है, सॉरी जो हिजकिया वाला है। तो क्या साइंस है, कभी मौका मिला तो जरूर इस पे बयान करूंगा कि क्या रीजन थी कि जमीन उल्टी घूम गई, लेकिन उसके बावजूद जमीन कायम है। साइंसदान कहते हैं थोड़ी सी ग्रेविटी कम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जमीन फट जाएगी, क्या हो जाएगी, लेकिन क्या बताने वाला करता है कि सब चीजें कायम रहती है, रही जाती है। उसने जब कहा ये साया वापस जा, उसने कहा दामन अभी मैं उसे कह गया मर जाएगा, अभी भी कह रहा है कि उसकी उम्र बढ़ गई है, वो तो मेरे तले का नहीं, आपको भी ऐसे कहे तो ये झोंक थोड़ी है। उसने कहा कि उसे कहना कि सूरज बढ़ के 12 बज गए हैं, तू क्या चाहता है, आगे बढ़े या पीछे गए। उसने कहा जो उससे कहे वो कर, उसने कहा कि खुदा ने कहा कि तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ गई। और उसने जब ये बात की, उसने कहा कि मेरे लिए क्या निशान है, उसने कहा सूर्य चढ़ के 12 बज गया, तू चाहता आगे जाएगा। उसने कहा मैंने चढ़ के आगे जाते देखा है, कभी सूर्य को 12 बज के पीछे जाते हैं। उसने कहा आज तू देखी। उसने खुदा को नाम दिया मुहम्मद राफे, मेरा खुदा शाकी खुदा है। ईसाई के लोगों ने खुदा को दिल डाल दिए, और उसके बाद ये जो लकब या जो हम क्या जबूर पढ़ते हैं, जो 23वां जबूर है, उसको जब हम देखते हैं तो खुदा के हुजूर में दाऊद एक वाकया है जिसके बाद दाऊद ये जबूर लिखता है। अगर आप सैमुएल की किताबों से 17वां बाब निकालें तो वहां पर एक वाकया है, और वो वाकया क्या है, जंग लगी हुई है और एक जवान आ रहा है जो तकरीबन कोई 9 फीट के करीब ऊंचा है, कुछ लोग कहते हैं 12, कुछ लोग कहते हैं 9, लेकिन जो कामत एक शख्स है वो आ रहा है, दिनों से आ रहा है और एक काम कर रहा है। वो गाली दे रहा है खुदा को, वो गाली दे रहा है इसराइल के बादशाह को, वो गाली दे रहा है इसराइल की फौज को। पादशाह नहीं है या कोई भी, एक पादरी की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को क्या करे, निभाए, चाहे 10 हो चाहे 1 हो, आपका काम है जो कैपेसिटी आपकी उसमें आप अपनी जिम्मेदारी को निभाए। एक फौजी आर्ग्यू को नहीं कर सकता, फौजी बैठे हुए हैं बीच में, या फौजी आर्ग्यू करता है कि आप बंदूक नहीं है, गोलियां खत्म हो गई है, कुछ ऐसा है, वो मोर्चा छोड़ता है, वो जिंदगी छोड़ देता है, लेकिन सरहद नहीं छोड़ती। अब उसके भाई फौजी पेड़ भरकर उनको वो रोटी देने गया है, जाति जूलियत का वाकया हम जरूर ये गाते हैं, वहां वो रोटी देने जा रहे हैं। यसी ने कहा भाइयों का पता करके आ कि तेरे भाइयों का क्या हाल है। दाऊद रोटी देने गया है, और जब रोटी देने गया है उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे उसने समोया है, कैसे प्रोया है उस तजुर्बे को जो खुदा ने उसकी जिंदगी में किया। वो क्या है, रोटी दी है, उधर से जाति जीवित आ, जाति जीवित आ गया, और वो गालियां देना शुरू हो गया खुदा को। वसीहत का वर्ग आया है, और वसीहत को थोड़ा देखिएगा कि उसका तर्जमा क्या है, उसका मतलब क्या है। वो गाली दे रहे हैं खुदा को, वो गाली दे रहा है शाऊल बादशाह को, वो गाली दे रहा है इसराइल की कौम को जिसको खुदा ने मुकद्दस किया है। किसी की जरूरत ही नहीं है क्या उसको कोई फिटा रूप भी कह सके, कितने दिनों से वो आ रहा है और उनकी तस्वीर कर रहा है, लेकिन दाऊद उठता है और वो क्या कहता है, ये कौन नामकूम रस्मी है जो मेरे खिलाफ की
मेरे लिए अच्छी दुआ कर रही है, आपको पता चले आप सुने या उस इबादत में हो तो आप कहेंगे ना कि पाठ साहब आपने तो ट्रेनिंग की है, आप तो पादरी हैं, लेकिन आपके भाई आपसे अच्छी दुआ करते हैं, आपसे अच्छा कलाम देते हैं, तो मुझे तो जल्दी ही होगी ना। अब वो पहुंची और जब ये बात हो रही है सीक्वेंस देखें कि क्या है, तो वो उसे कह रहे हैं हम जानते हैं कुछ राष्ट्रीय है, इसीलिए आया है, उसको ना नौकरी ना शोहरत ना किसी और चीज की जरूरत है, उसकी नजर खुदा के साथ, उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। 5 फीट से भी कम उसका कद था, दौड़ता लड़कियों का भी ज्यादा होता है कद। मैंने इसलिए आपसे कहा आप सत्रहवां सैमुएल की किताब का निकाल कर रखे, सलातीन की किताब का निकाल करके उसमें देखे कि ये चीजें हैं या नहीं है। उन्होंने कहा मैं करूंगा किससे, उसने कहा रोटी ले जा, तू क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, उसने कहा मैं करूंगा। ये गुफ्तगू दूसरे फौजियों तक, ये गुफ्तगू चलते चलते सिपा सलार तक, ये गुफ्तगू चलते चलते सऊन तक पहुंच गई। क्या सऊन एक छोटा सा बच्चा आ गया है और वो कह रहा है मैं जाती जूलियस से लड़ूंगा। ले गए उसको सऊन बादशाह के पास, सऊन अपने महल में दुबका रहता हुआ डरा हुआ रहता हुआ, मौत तो कहीं भी आ जाती है ना, आप कमरे बंद कर लिए आप कहीं भी चले जाए मौत आ जानी है, लेकिन मरने मरने में फर्क है कि आप जीते कैसे हैं और आप मरते कैसे हैं। वो क्या है, उसने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। उसने कहा अच्छा क्यों लड़ेगा, उसने उसको जरा बदतर पहनाया, हेलमेट पहनाया जो बुलेट प्रूफ जैकेट उस टाइम पर लोग जैकेट होती थी जा रही तरह, वो उसको पहनाए, बूट पहनाए, उसको भाला दिया, उसको तलवार दी, दौड़ साहब इतने ताकतवर थे कि उससे एक कदम चला नहीं गया, इसीलिए मैंने आपसे कहा बाबा निकाल कर रखी, एक कदम चला नहीं गया, बच्चे को भूख ना चली जाए और जाना कर सकता है। कभी ऐसे फौजी देखे, जनता की फौज देखी है, लगड़ों की फौज देखी है, कमजोरों की फौज देखी है, सबसे ज्यादा टफ मेडिकल फौज में होता है, ऐसी है, आप पहले भागो फिर सारे टेस्ट करो उसके बाद दूसरे टेस्ट करो फिर आप पहुंचते हो वहां पर, उसके बाद आप ट्रेनिंग या ट्रेनिंग में भी आप देखो, लेकिन उससे एक कदम ही चला गया, तलवार उठाने की ताकत नहीं, लेकिन वहां पर उसने एक बात की, उसने कहा है बादशाह मैंने इस तलवार को, मैंने इस भाले को, मैंने इस हेलमेट को, मैंने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को आजमाया नहीं, एक है जिसको मैंने आजमाया है, जब वो मेरे साथ होता है मैं शेर को पकड़ता हूं जी देता, मैं बीच को पकड़ता हूं जी देता। उसका तजुर्बा था जो उसने ले आना, उसने कहा जा, उसने कहा जैसे मैं जाता था ऐसा हूं मैं वैसे ही जाऊंगा। कभी पत्थरों के साथ लोहे के साथ जंग होते कभी देखी है आपने, क्या है अपना बैग लिया है, अपना गोबिया लिया है, 5 पत्थर चिकने लिए हैं, कितने 5 पत्थर लिए हैं, और वो जा रहा है जो भू हो रही है दोनों की जाति मुझे कह रहा है क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम मेरी तरफ पत्थर लेके आता है। उसने कहा आज तेरा गोश्त हवा के परिंदे खाएंगे। वो जा रहा है उसका ईमान है। कभी ऐसे देखा है आपने गोली को नुकीली क्यों बनाते हैं, वो पेनिट्रेट कर सके, अगर वो मोटी होती है तो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, आप छुरी को धार क्यों बनाते हैं तो पेनिट्रेट कर सके, खुंडी छुरी काटती नहीं है, तो क्या उसमें वो तेज पत्थर, क्या वो लोहे के पत्थर, क्या वो एटम बम था उसमें। आज भी साइंसदान इस बात से हैरान है कि किस वेलोसिटी से उसने मारा है वो पत्थर, 5 पत्थर दिए हैं उसने, क्या दूसरे पत्थर की नौबत भी आई, उसने पत्थर मारा है उसके हेलमेट में से उसकी खोपड़ी के अंदर चला गया, और जब वो गिरा है उसका सर काट के जब वो वापस आ रहा है तो वापस आते हुए वो ये जरूर लिख रहा है खुदावन मैंने अपनी भेड़ों को शेरों से चीतों से दरिंदों से बचाया है, मेरा चरवाहा तू है,
तू मुझे बचा। अब जरा देखिए मेरे साथ ये जो सबूत है उसमें क्या लिखा है, खुदावंद मेरा चौपाल है, मुझे कमी ना हो, वो मुझे हरी हरी चराकाओं में बिठाता है, वो तो मुझे रानक के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, बल्कि मैं मौत के साया वादी में से जरा गुजर हो मैं किसी जाति से नहीं डरूंगा। क्यों, क्या लिखा है, तेरे असा और तेरी ताकी से मुझे तसल्ली। और फिर क्या लिखा है, तू मेरे साथ, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा इसका तर्जुमा है, उसमें लिखा है कि ओ गॉड यू आर अ शील्ड बिटवीन मी एंड माय एनिमी, एकदम तू मेरी बुलेटप्रूफ जैकेट है मेरे दुश्मनों और मेरे पांच पत्थर से लिए। तो उसने कहा है खुदावंद अगर पांचों भी खत्म हो जाए तो मेरा ईमान है कि मेरे और जाति जूलियत के दरमियान तू है, जब मेरी पनाह तू है मेरी शील्ड तू है तो मुझे फिक्र नहीं। जब एक वादे देते थे वो एक लड़की की मिसाल देते, एक माँ का एक ही बेटा था, तो वो कहती थी कि बेटा जब काम पे जाए तो जल्दी में बेशक हो लेकिन चर्च के सामने से जब गुजरे तो सिर्फ इतना कहना कि गॉड जेनिस देयर, कितना कहना। तो वो आता था चर्च का, जैसे कि बाहर वाला गेट है वहां पे आगे जस्ट रुका और सिर्फ इतना कह के चले जाता गॉड जेनिस देयर, चला जाता। उसका ईमान क्या था कि खुदा साहब रहता है वो हिफाजत करते हैं। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया बड़े ट्रॉलर से एक्सीडेंट हो गया, तो वो बड़ा रंजीदा जा रहा था और जाते हुए अपनी माँ को पूछ रहा था, एनी मेरी माँ ने क्या कहता है अपना आनंद है, आज मैं ट्रॉलर से टकरा गया तो आज ही जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद उसने चार्ज सुना, पीछे मुड़ते देखा कोई नहीं है, फिर उसने देखा कि कौन लग रहे हैं कि कोई नहीं है, उसने आवाज दी कि कौन, उसने कहा जी जीसस इज हियर। उसने जैसे अपना मतलब पट पड़ता है खुदा पे, उसने कहा खुदा मैं यकीन बच्चा मैं एक ही बच्चा मेरा साइकिल आज तू कहां था, आज मैं मरने वाला था। उसने कहा जब तेरा मरना दिखा हुआ था, अगर मैं तेरे और ट्रॉलर के बीच में ना आता आज तू यहां ना होता तो कब्रिस्तान में। क्या लिखा है कि तू मेरे दुश्मनों के रूप रूप मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, गॉड यू आर अ शील्ड बिटवीन मी एंड माय एनिमी। क्या लिखा है तूने मेरे सर पर तेल मलाने का क्या मतलब ले लिया है, तो बच्चे बीवी होना माँ बाप की याद होंगे, काला हो गोरा हो लंगड़ा हो ढूंढा हो पहाड़ हो ना के बाद लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा होता है, वो भूलते नहीं है। कि आप किसी को पूछे जाके कितने बच्चे हैं तो वो गिनना शुरू कर देता है, वो सोचना शुरू कर देता है, वो एकदम बताता है चार बेटे तीन बेटियां इतने बेटे इतनी बेटियां ऐसे बताते हैं। वो कह रहा है कि खुदावंद ना बाप चाहता था ना सैमुएल चाहता था ना भाई चाहते थे कि मेरे सर पर तेल लगे, वो नहीं चाहते थे कि मुझे ताज मिले। सैमुएल चुनने आया है, कि मैं बच्चों से भी और बाकी लोगों से भी कह रहा हूं, जब खुदा ने आपके लिए सरफराजी लिखी है तो कोई वो सरफराजी आपसे छीन नहीं सकता चाहे कुछ भी हो। उसको कहा जाके यस्सी के बेटों में से एक बेटा तुम्हें मसा करता है, वो तेल लेके गया है, बेटे आते जा रहे हैं लेकिन जब बड़ा बेटा आया सैमुएल क्या कहता है, ऐ खुदावंद यही है जिसको तुमने दिया। तो खुदा ने क्या कहा, ऐ सैमुएल खुदा रंग रूप को खुदा शक्लों को खुदा कद काठी को नहीं देखता, खुदा दिलों को देखता है। सारे बच्चे खत्म हो गए तो यस्सी को सैमुएल कह रहा है कोई भी नहीं, अब सारे बच्चे मेरे गुजर गए हैं। उसने कहा तेरा कोई और भी बेटा है, वहां पे जो इंप्रेशन है ना जैसे पढ़ने का एक अंदाज होता है तो वहां पे जो आय का इंप्रेशन है पढ़ने का वो इंप्रेशन ये है ओ हाँ मेरे और भी बेटा, उसको दाऊद याद ही नहीं है कि दाऊद ही मेरा बेटा है। तो उसने कहा तेरा कोई और भी बेटा, उसने कहा ओ हाँ मेरे और भी बेटा, उसने कहा जल्दी उसको बुला। और जब उसको बुलाया तो खुदा ने कहा मेरी दिल पसंद के मुताबिक मुझे बंदा मिल गया है। तो उसको पता था ना सैमुएल जा रहा है ना भाई जा रहे हैं ना जो मेरा बाप है वो जा रहा है, फिर
आयत लिखी, ऐ खुदावंद जिसके सर पर तू तेल मले उसको शर्मिंदगी होती है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, इसलिए मेरा प्याला तबरेज होता है। जितनी रहमत और भलाई उम्र पर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। कभी ऐसे हुआ है हम लोग मैंने नाम लेते रहते हैं, खुदा के साथ, खुदा के साथ, खुदा के साथ, कभी अपने आप में पीछे हो, खुदा मेरे कारे मैं कितना बुरा हो रहा, कोई भी काम करते नहीं, एक तरफा हम मोहब्बत रखते हैं 50%, 100% हम रखते नहीं, हम कहते हैं खुदा हमारे साथ। कभी आपने कहा कि मैं खुदा के साथ, मैं खुदा मैं तेरे साथ हूँ इसलिए तू मेरे साथ। आपकी दुआ में कभी लिखा है बनाई उम्र पर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकून करूंगा। यही दाऊद लिखता है, खुदा तू मेरे बिस्तर की छानबीन करता है, मेरे कमरे की छानबीन करता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। यही दाऊद है जिसे 24वां अंकुर लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। यही दाऊद है जिसने धूप की दरियानी कायम की है, जिसने जो पौलुस के बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें दिया है। मैंने आपसे कहा था कि दो ही दीवाने आपको खुदा के मिलते हैं, पुराने अहदनामे में दाऊद और नए अहदनामे में पौलुस। जो आशिक दीवाने पागल जुनूनी खुदा के हैं वो क्या कहता है, खुदावंद मैं हमेशा खुदावंद के घर से पूजन करूंगा। ऐसे चलते गए चर्च लिखे थे, अभी हमने दुआ करनी है, चलेगा गीत गाना है, पढ़ाकर दुआ करने वाले घर चले जाए, लेकिन वो क्यों कह रहा है कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकून करूंगा। वो कहता है खुदावंद ऐसी लगन लगा ली है मेरे साथ मैंने कि मैं ऑफिस में होता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चर्च में हूं, मैं सड़क में होता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चर्च में हूं, मैं चर्च में होता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चर्च में हूं। मैं क्या लगता है कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकून करूंगा। मेरी दुआ है खुदा मुझे और आपको भी बहुत बख्शे कि मेरा और आपका भी खुदा के साथ ऐसा तजुर्बा हो कि हम भी उसे जब होगी कहें तो उसको पर मैं उसका जवाब आता, बाकी उसको लगे कि मुझसे मांगता है। हम आते हैं और बस रवायती तौर पर आके चले जाते हैं, उससे लगन लगा देता है फिर वो उसको अमर कर देता है। मेरी दुआ है खुदा इस मान पर हम सब को अमल करने की तौफीक दे। आइए अपने सरों को प्रणाम करके झुकाएं और दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं कि खुदा तू हमारा है। ऐ खुदा खुदा तू हमारा परवरदिगार है, और जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जो तजुर्बा है खुदा तेरे बेटे दाऊद का है, जिसको ईमान के साथ हम भी इकरार में शामिल करते हैं, तौफीक बख्श। कह खुदा खुदा हम कमजोरी में, हम कुवत में, हम हर हाल में तेरे साथ कायम रहें और जान देने तक वफादार रहें, ताकि तू हमें जिंदगी का ताज अता करे। आज का